हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहला मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट कप से 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है जो नॉर्मली चपाती बनाने के लिए यूज लेते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून आप चाहो तो तेल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हो और घी भी यूज़ कर सकते हो। आटा और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और चपाती के डो की तरह अच्छी तरह से डो लगा देंगे। डो में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी अच्छी तरह से डो लगाना है। अच्छी तरह डो लगा दिया है और डो लगाने में 1 कप पानी का यूज़ हुआ है। पानी इसमें कम या ज़्यादा भी लग सकता है और वो गेहूं के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ गेहूं हैं ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करते हैं और कुछ गेहूं कम पानी ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उस हिसाब से डो लगाइए। तो अब डो को ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। पैन को गैस पर चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब जीरा अच्छी तरह चटक गया है। अब इसमें 3 से 4 फाइन चॉप किए हुए गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को सौते करेंगे और बीच बीच में स्पैचुला हिलाता रहेंगे जब तक गार्लिक अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गार्लिक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें स्लाइस किया हुआ 2 मीडियम साइज़ का अनियन ऐड करेंगे और मिक्स करके सौते करेंगे। अनियन को सिर्फ सौते करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इतना ही पकाना है कि अनियन पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए और स्पैचुला से हिलाते रहना है। अनियंस अच्छी तरह सौते हो गए हैं। अब इसके अंदर 1 फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और दोनों को अच्छी तरह सौते करेंगे। अब 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। बेसन से अच्छा खुशबू आएगी और प्याज के लिए अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा। जो प्याज के अंदर पानी है वो अच्छी तरह सोख लेगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें फाइन चॉप किया हुआ पालक डालेंगे और अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। पालक को ठंडे पानी से धो देना है और उसका पानी निकाल के फाइन चॉप करना है ताकि उसके अंदर मिट्टी नहीं रहे और मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। पालक को अच्छी तरह सौते कर लिया है। अब इसमें क्रम्बल किया हुआ 100 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। पनीर और पालक को अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि उसका पानी अच्छी तरह सूख जाए। अब इसमें 1 चम्मच चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे एंड 1/4 टीस्पून
चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप अमचूर की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और उसको बाउल में निकाल दिया है। अब डो की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। लोई आप चाहो तो बड़ी भी बना सकते हो और छोटी भी बना सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। और उसको हाथ से अच्छी तरह से गोल करके प्लेट के अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार सारी लोइयां बनानी है। लोई को अच्छी तरह से गोल करना है और फिर दोनों हाथ से अच्छी तरह से राउंड शेप देना है, एक कटोरी की तरह। ऊपर वाले कॉर्नर को अच्छी तरह से पतला करना है और बीच वाले पार्ट को भी पतला करना है ताकि जब स्टफिंग करो तो डो अच्छी तरह से एक जैसा पतला रहे। तो इस प्रकार कटोरी जैसा आकार देना है। अच्छी तरह कटोरी शेप दे दिया है। अब इसके अंदर स्टफिंग भर के साइड से धीरे धीरे उठा के अच्छी तरह से पैक कर देना है ताकि स्टफिंग बाहर निकले नहीं। और जो स्टफिंग है, एक्स्ट्रा स्टफिंग है, उसको हाथ से निकाल के प्लेट में रख देंगे और अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके। और अब हाथ से अच्छी तरह प्रेस कर देंगे और राउंड शेप दे देंगे। बीच में से भी थोड़ा सा दोनों अंगूठों से प्रेस करके पतला करना है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार सारे शेप में बनाना है। पैन को गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें एक एक करके पेटीज को कुक करने के लिए रखेंगे। आप बिना ऑयल भी कुक कर सकते हो और ऑयल के अंदर भी कुक कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइए। तो आप पेटीज को बिना ऑयल भी पका सकते हो और ऑयल से भी पका सकते हो। तो ऐसे बारी बारी से पलटे से पलटते रखना है। और अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह धीमी आंच पे पकाएंगे। तो इस प्रकार सारी पेटीज को कुक करना है। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए। सारी पेटीज को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कुक कर दिया है। आप देख सकते हो सो नाइस कलर। ये नाश्ता की रेसिपी बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कॉमेंट्स बॉक्स।